हाँ जी राम चरण सुखदाई, चरण कहते हैं पांव को। पांव कौन से हैं वो नहीं जानते क्या है? जैसे पांव से कहीं चलकर जाया जाता है, पांव से पहुंचते हैं, ऐसे कहा जाता है तुम्हारी बुद्धि हमारे गुरु जी तक नहीं पहुंचेगी, अर्थात तुम्हारे बुद्धि के पांव हमारे गुरु जी तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये पहुंचने का काम बुद्धि भी करती है। बुद्धि दौड़ती भी है, बुद्धि हाई जंप भी लगाती है, और बुद्धि चलती भी है, और कोई कोई की बुद्धि रुक भी जाती है। तो बुद्धि से मिसाल दिया जाता है चरण का, पांव का। तो मनुष्यों की बुद्धि सुखदाई है या भगवान के बुद्धि रूपी चरण सुखदाई है? उन्होंने राम को भगवान समझ लिया है। अब राम तो भगवान है नहीं, वो तो त्रेता के राम को भगवान समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में है तो कौन से राम की बात? वही राम वाली आत्मा 84 के चक्र में आते आते अंतिम जन्म में शिव बाप का रथ बनती है, मुकर्रर रथ। तब कहा जाता है रामचरण सुखदाई, और सभी जन्मों में सुखदाई नहीं कहेंगे, क्योंकि और जन्म के लिए तो मुरली में बोला है राम सीता को खादी का राजा रानी कहेंगे। क्या मतलब खादी? ठंडी में गर्म रहती है और गर्मियों में ठंडी रहती है, लेकिन बरसात में भारी हो जाती है, चिपकती है, धूल मिट्टी में बहुत गंदी हो जाती है, इसलिए दुखदाई हो जाती है। तो राम की बात नहीं है। जो देह अभिमानी होते हैं वो देहधारी को ही भगवान समझ बैठते हैं। तो देहधारी भगवान है, रामकृष्ण भगवान है, या शिव बाबा भगवान है? शिव बाबा भगवान है। शिव की आत्मा अलग है और राम की आत्मा अलग है। राम कृष्ण कहे तो जाते हैं, ये दो बैलों की जोड़ी तो है, परंतु ये तो बैल हैं, ये कोई शिव बाबा नहीं है। तो इनके पांव, राम कृष्ण के पांव सुखदाई नहीं है। किसके पांव सुखदाई है? शिव बाबा के पांव सुखदाई। और कोई ने पूछा है, न चाहते हुए भी बुरे संकल्प क्यों आते हैं? पहली बात, न चाहते हुए भी बुरे संकल्प इसलिए आते हैं कि अभी 84 जन्मों के ड्रामा की रील घूम रही है,
84 जन्मों में हमने 63 जन्म में बुरे कर्म भी बहुत किए हैं। अभी हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं या ऊपर से नीचे उतर रहे हैं? नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं। तो चढ़ते चढ़ते द्वापर की सीढ़ी चढ़ गए होंगे, चढ़ गए या नहीं चढ़ गए? चढ़ गए। अगर चढ़ गए तो सतयुग त्रेता में अच्छा ही अच्छा होता है कि वहां बुरा भी होता है? अगर कलयुग और द्वापर की सीढ़ी चढ़ गए तो त्रेता युग के संकल्पों में रमण करेंगे, सुखदाई संकल्पों की रील घूमेगी या दुखदाई संकल्पों की रील घूमेगी? हैं? सुखदाई संकल्पों की ही रील घूमेगी। इसे साबित होता है कि अभी हम कलयुग और द्वापर में ही चक्कर काट रहे हैं। 63 जन्मों की रील घूम रही है, कभी अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी रील घूमती है, अच्छे से याद भी आती है, अच्छे से पुरुषार्थ भी होता है। जब खराब कर्म किए हैं, दुष्ट संग मिला है, तो वो रील ऐसी ही घूमती है। हम कितना भी पुरुषार्थ करना चाहें, कितना भी याद करना चाहें, लेकिन याद नहीं आती है। बोलते हैं बाबा को याद बैठने से बाबा का चेहरा भी याद नहीं आता है, इसका कारण क्या है? अरे रील घूमेगी, उस रील घूमने में अगर बाबा से जुदा हो गए होंगे, कोई और से बुद्धि योग चिपकता रहा होगा, कोई और के चक्कर में फंस गए, सारा जिंदगी उसके साथ बिताया जो कुसंग में ले जाने वाला है, तो वो अपने चेहरे की याद दिलाएगा या बाबा का चेहरा याद आएगा? है? अपने चेहरे की याद दिलाएगा, बाबा का चेहरा भूल जाएगा। और हाँ जी बाबा, मुझे आदमी पर बोला है। हाँ जी, मुझे शनि जो मुकाम पुत्र कह सकते हैं, क्यों? याद को अग्नि कहा जाता है या नहीं? है? कहा जाता है ना। 500-700 करोड़ आत्माएं हैं पुरुषार्थ करने वाली, उन पुरुषार्थ करने वालों में कोई निरंतर याद करने वाला भी होगा या नहीं होगा? निरंतर याद की अग्नि में ठहरने वाला होगा या नहीं बनेगा? हैं? बनता है, तो वो हो गया आग का गोला। और सब एक जैसे पुरुषार्थी होंगे क्या? हैं? नहीं। और सब जो होते हैं सारी दुनिया तो एक के ही बच्चे हैं ना, सारी दुनिया किसका बच्चा है? हैं? अरे एक ही बीज का बच्चा है ना, एक ही बीज बाप से पैदा हुए ना, सारी दुनिया प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है ना, सारी दुनिया तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है, लेकिन एक ही अम्मा के बच्चे हैं क्या? है? धरनी धरनी का फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा?
तो धरणी का फर्क पड़ जाता है। तो बहुत अंतर हो जाता है। और प्रकृति के पांच तत्वों से विनाश होगा, तो यहां वेद में पांच तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। तो ये जो पांच तत्व हैं, जो अष्ट देव के रूप में दिखाए जाते हैं, तो कि ये क्या ये विनाश के टाइम में, महाविनाश में प्रकृति का साथ देंगे? अरे ये प्रकृति के ही पांच रूप हैं। कौन? पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किसके रूप हैं? रावण के रूप हैं। ऐसे ये पांच तत्व भी प्रकृति के ही रूप हैं। प्रमाणे प्रकष्ट, कृति माने किया हुआ कार्य, प्रकष्ट रूप से तैयार होते हैं। ये भी रिज्यूमिनेट होते हैं। इनका आदि नहीं होता है। ये प्रकृति के पांच तत्व भी अनादि हैं। इनको भी देवता का रूप दिया गया है। दुनिया की हर चीज सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तम में होती है या नहीं होती है? तो अष्टदेव भी तमो प्रधान बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? बनेंगे। जो जितने बड़े आदमी का बच्चा होता है वो उतना ज्यादा पावरफुल भी होता है या नहीं होता है? हैं? पावरफुल भी होता है। तो ये पांच तत्व जो देवता के रूप में दिखाए गए हैं, अष्ट देवों में दिखाए गए हैं, ये भी जब पतित होते हैं पूरे आखिरी जन्म में, तो अत्यंत विनाशकारी बन जाते हैं। और सबसे ज्यादा विनाश करती है प्रकृति। रावण के पांच रूप विनाश नहीं इतना कर पाते हैं। माया इतनी विनाशकारी नहीं है जितनी प्रकृति विनाशकारी है। ऐसी तमो प्रधान प्रकृति बन जाती है। तो ये पांच तत्व प्रकृति का जो प्रधान रूप है पृथ्वी, धरणी माता कहा जाता है, वसुंधरा कहा जाता है, जगत की अम्बा कहा जाता है, उसके सहयोगी बन जाते हैं। और महाविनाश में पूरा साथ देते हैं। और सारे कल्प में
ब्राह्मणों के हर आत्मा के संबंध और संपर्क किस आधार पर होते हैं? अभी संगम युग में संबंधों और संपर्कों की शूटिंग हो रही है या नहीं? कैसे, किस आधार पर होती है? संकल्पों के आधार। संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो ब्राह्मणों ने अपनी अपनी सृष्टि नहीं रची है क्या? हर ब्राह्मण आत्मा एक सितारा है। लोग समझते हैं हर सितारे में एक दुनिया बसी हुई है, लेकिन उन सितारों में दुनिया नहीं बसी हुई है। वहां कोई चैतन्य प्राणी नहीं रहते हैं, ये तो ये धरती के चैतन्य सितारे हैं, जिनकी 84 जन्मों की संबंधों संपर्कों संसर्गियों की अपनी अपनी ही अलग अलग दुनिया है। ये संकल्पों के आधार पर हम अपनी दुनिया अभी तैयार कर रहे हैं, शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे जैसे हम संकल्प करेंगे, वैसे वैसे संबंध और संसर्ग संपर्क बनाते जाएंगे। अब चाहे शिव बाबा के साथ बनाओ 84 जन्मों का हिसाब किताब, और चाहे अन्य आत्माओं के साथ बनाओ, अभी हरेक की मुट्ठी में अपना अपना भाग्य शिव बाबा ने दिया हुआ है। और सच्ची गीता खंड एक में लिखा है, जब सतयुग था तो चैत्य कला थी और बाकी सब आत्माएं, जब सतयुग था तो चैत्य कला थी और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। कैसा है ये, मिसप्रिंट है क्या कुछ राज है इसमें? हाँ हाँ, जो सतयुग में थी आत्माएं उनकी कलाएं बहुत धीमी गति से कम होती हैं, इसलिए ज्यादा उतरती कला नहीं होती है। पूरे सतयुग में सिर्फ कितनी कलाएं कम होती हैं? दो कलाएं कम होती हैं, इसलिए बोला चढ़ती कला थी, और युगों में उतरती कला होती जाती है। सतयुग में ये नहीं कहेंगे कि उतरती कला तीव्रता से होती है। बाकी जो आत्माएं हैं जो उतरती कला वाली थी वो कहां थी? जो तीव्र गति से उतरती कला में जाती रहती है वो कहां थी? परमधाम में थी। गलत नहीं है, सही है। और ब्रह्मा की एज, ब्रह्मा की एज 36 साल 100 साल का डिविडेशन 100 साल। हाँ, थर्टी थ्री ईयर्स हर एक के। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। अभी विष्णु का कार्यकाल चल रहा है, अभी प्रैक्टिकल कर्मों के हिसाब से पाप और पुण्य बन रहा है। पहले कहते थे अगर संकल्प में पाप होते हैं तो कोई पाप नहीं चढ़ेगा, अभी ऐसा नहीं कहते हैं। अभी संकल्प करते करते ही प्रैक्टिकल होने लगते हैं। और अभी विष्णु का प्रैक्टिकल शुरू हो चुका, प्रैक्टिकल शूटिंग का समय चल रहा है। और
एक मुनि ने कहा 1478 किया, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि में जीव तो संकल्प सूक्ष्म रूप में था। हाँ, तो पहले सूक्ष्म वतन प्रैक्टिकल ने रचाए। हाँ, सूक्ष्म वतन है जंक्शन जहाँ देवताओं और ब्राह्मणों का विलम्ब होता है, संगम होता है। हाँ, ब्राह्मण भी इकट्ठे होते हैं, ब्राह्मण आत्माएं भी, और जो देव आत्माएं सत्युग में जन्म लेने वाली हैं, जो अभी शरीर छोड़ती जा रही है, बेसिक में उनका पक्का निश्चय बन जाता है। एडवांस ज्ञान की गहराइयों को नहीं पकड़ पाते हैं। बुद्धू किस्म के देवताएं होते हैं या बुद्धिमान होते हैं, तो बुद्धू किस्म की आत्माएं हैं। तो ऐसी आत्माएं जो शरीर छोड़कर के सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर धारण कर रही हैं, वो देव आत्माएं हैं। वो और हम ब्राह्मण जो एडवांस पार्टी के हैं, ज्ञान की गहराइयों में जाने वाले हैं, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, बुद्धि चलाने वाले हैं। जब विनाश होगा तो सब अपना अपना शरीर छोड़कर कहां इकट्ठे होंगे? है परमधाम जाना शुरू कर देंगे इकट्ठे, या कहीं इकट्ठे होते रहेंगे? सूक्ष्म वतन में इकट्ठे होंगे, मिलेंगे। और सूक्ष्म वतन प्रैक्टिकल में है ही नहीं है ऐसा था। मन के संकल्पों का ही एक सूक्ष्म स्टेज है, कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है। और इसका मतलब ये है कि काश्य से बनती है काशी। काश्य कहते हैं तेज को, और तेज आता है अभिविचारी याद से, और अभिविचारी याद काशी के रूप में प्रसिद्ध होने वाली आत्मा जितना करती है, उतना दूसरी आत्माएं अभिविचारी याद नहीं करती है। इसलिए बोला कि शंकर को काशी नगरी अति प्यारी है, जो अभिविचारी याद में रहती है, और आत्माओं की कुछ न कुछ विविचारी याद भी बन जाती है। और बाबा चंद्र के कुछ वस्तु है, पानी पहाड़ी चंद्रमा जो है ना बाबा, चांद है, उसके ऊपर कुछ घर बना है, घर बनाना है। वो ब्रह्मा कुमार अपना घर कहाँ बना रहे हैं, किसके पास बबना रहे हैं? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के पास उन्हें कोई प्लाट प्लाट मिलेगा क्या? वहां तो पानी भी नहीं है, वहां ज्ञान जल है, ज्ञान जल ही नहीं है, जल तो जीवन है, वहां जीवन ही नहीं है, तो वहां रह के क्या करेंगे? और अंधा कौन बनते हैं?
और कौन से संस्कारों से बनते हैं। अरे आंख की गंदगी ज्यादा फैलाएंगे, ज्यादा व्यभिचारी आंख से काम करेंगे, अति के व्यभिचार में जाएंगे तो क्या बनेंगे? अंधे बनेंगे। आंख से थोड़ा बहुत व्यभिचार करेंगे तो आंखें कमजोर हो जाएंगी, चश्मे वश्मे लग जाएंगे। हिसाब किताब तो बनेगा ना? नहीं बनेगा? बनेगा। लूला कैसे बनते हैं? बांह टूट जाती है ना, बांह कहते हैं सहयोगियों को। जो अच्छे काम में कोई सहयोगी बनते हैं, कोई बुरे काम में सहयोगी बनते हैं, तो जो लगातार बुरे कामों में सहयोगी बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? है? उनकी बांह टूट जाएगी। चोर कैसे बनते हैं? अरे चोरों का संग करेंगे तो चोर बन जाते हैं, चोरी के संस्कार पक्के हो जाते हैं। डकैत कैसे बनते हैं? डकैतों का संग करेंगे तो क्या बन जाएंगे? डकैत बन जाएंगे। मेहतर कैसे बनते हैं? है? हाँ, गंद उठ बतो, स्थूल गंद है, लेकिन वो स्थूल गंद जो है वो उठाने का निमित्त कैसे बने? दूसरों की बहुत ग्लानी करते हैं तो क्या बनते हैं? मेहतर बनते हैं। जो ज्यादा दूसरों की व्यर्थ ग्लानी करता है, ग्लानी माने जो उसने पाप नहीं किया है, वो पाप की बातें सुनाते हैं कि इसने ऐसा पाप किया, ये ऐसा पापी है, ये ऐसा गंदा है, व्यर्थ की बातें सुनाते हैं दूसरों को, तो क्या बनते हैं? मैतर बनते हैं। आतंकवादी अरे स्थूल में जो आतंक फैलाएंगे तो उनके संस्कार क्या पड़ जाएंगे? कोई ऐसे होते हैं फालतू की अफवाहें फैलाते रहते हैं, तो फालतू की अफवाह फैलाने से क्या होगा? आदमी में आतंक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आदम तो अगले जन्म में फिर आतंकवादी बनेंगे। वैश्या बनते हैं, वैश्या बनाने वाले पुरुष होते हैं या स्त्रियां होती है? तो कोई पुरुष ऐसे होते हैं जो ज्यादा कन्याओं माताओं को पल्यूट करते हैं तो उसका रिजल्ट उनको अगले जन्म में क्या मिलेगा? है? वैश्य बनेंगे। बाबा ज्ञान में चलने वाली आत्मा घर में अशांति का माहौल पैदा कर देती है और परिवार को बहुत दुख देती है, तो उन आत्माओं का क्या हाल होगा? अरे लौकिक दुनिया में कोई अगर उल्टा काम करते हैं तो एक गुना पाप चढ़ता है, और ज्ञान लेने के बाद, बाप का बच्चा बनने के बाद अगर कोई उल्टा काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं, तो कितना गुना पाप चढ़ता है? 100 गुना पाप चढ़ता है। कितना घाटा पड़ेगा? है? बहुत घाटा पड़ जाता है। और
पांच देवता नहीं, देवताएं तो पूरे आठ हैं, लेकिन उनमें पांच पांडव पक्के हैं। जैसे पांच पांडव कहे जाते हैं जो स्वदेशी हैं, तो पांच पांडव कहे जाते हैं। ऐसे ही विधर्मी भी तो हैं, उन विधर्मियों में, विदेशियों में कोई ऐसे हैं जो नास्तिक हो पड़े हैं, जैसे आर्य समाज और रशियंस, तो वो अलग हो जाते हैं। और हम संस्कृत तो जानते नहीं, आप संस्कृत का पहले हिंदी अर्थ बता दो, फिर हम उसका वेद में अर्थ बताएं। बताओ, हम संस्कृत नहीं पढ़े तो कहां तक भाषाएं पढ़ेंगे। बाबा कहते भाषाएं तुम बच्चे पढ़ो, क्योंकि दूसरों की सेवा करनी है। संस्कृत भी पढ़ो, अंग्रेजी भी पढ़ो, फारसी भी पढ़ो, उर्दू भी पढ़ो, सारी दुनिया की सेवा करनी है ना, तो तुम सब भाषाएं सीखो ताकि तुम्हारा भाग्य ज्यादा बने। तुमको विश्व कल्याणकारी बनना है, मैं थोड़े ही सारी भाषाएं सीखूंगा। हाँ तो बोलो। क्या हुआ? अर्थ संस्कृत हम जानते ही नहीं ना। बाबा तो बेहद का बाबा है, तो बेहद के अर्थ बताएगा या बस बाबा तो संस्कृत क्या बोलते हैं, सुनंती कथंती भागंती, बाबा ये संस्कृत जानते हैं बस। बाकी अगर थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हैं तो प्रजापिता जानते हैं या ब्रह्मा जानते हैं, आपको जवाब किससे लेना है? हाँ भिन्न। और शास्त्रों के एक एक श्लोक लेकर के बैठ जाओ सब लोग और पूछो बाबा इसका अर्थ क्या है। और संगम का अंतर था कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्षता जरूर होगी। उसको संगम का अंत नहीं कहेंगे, हमारे पुरुषार्थ का अंत होगा। संगम का अंत हो जाएगा तो कौन सा युग शुरू हो जाएगा? सतयुग शुरू हो जाएगा। फिर प्रत्यक्षता की बात नहीं रहेगी। तो प्रत्यक्षता का पार्ट बजाते हुए अपना वर्तमान आत्मा के अपना वर्तमान माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों प्रत्यक्ष होंगे, वो कैसे होगा? जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे होंगे, रुद्रमाला के मणके होंगे, बीज रूप स्टेज में, सूक्ष्म स्टेज में टिकने वाले होंगे,
वो अपने अनेक जन्मों को पहले प्रत्यक्ष करेंगे। या बेसिक में चलने वाले पहले प्रत्यक्ष करेंगे है? जो सूक्ष्म स्टेज में टिकना ही नहीं जानते, मनन चिंतन मंथन जिनका चलता ही नहीं, और बाहर की दुनिया वाले दूसरे धर्मों की तो बात ही दूसरी है, वो तो और ही पीछे के हो गए। तो सारा मदार प्रत्यक्षता का आता है आत्मा को सूक्ष्म स्टेज धारण कराने की बात पर। जितना स्मृति स्वरूप में हम अपनी आत्मा के स्वरूप को याद करेंगे कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं, उतनी हमारी मन बुद्धि सूक्ष्म बनेगी और एक एक बात की गहराई को पकड़ती जाएगी, अपने पार्ट की भी गहराई को पकड़ेगी और अपने जो नजदीक हैं जन्म जन्मांतर के उनके पार्ट की गहराई को भी पकड़ेगी। सबसे जास्ती नजदीक होते हैं पति और पत्नी, तो जन्म जन्मांतर 21 जन्म का कोई हिसाब किताब भी होगा। उस हिसाब किताब के आधार पर सबके नंबर डिक्लेयर होते जाएंगे, स्वयं ही स्वयं को नंबर डिक्लेयर होगा, दूसरी आत्माओं को नंबर डिक्लेयर नहीं होगा। या तो उनसे कनेक्टेड जो भी उनको सिखाने वाले हैं गुरु, उनको पता चलेगा पहले। जैसे माला में 108 मणके हैं, 9 ग्रुप हैं 12-12 के, तो 9 धर्म वाले जो मुखिया हैं अपने ग्रुप के 12 मणकों का पहले वो जानकारी करेंगे और उस मणके को भी जानकारी होगी जो उनसे कनेक्टेड है। अभी पहले नंबर किसका लगेगा? सूर्यवंशियों का नंबर लगेगा। सूर्य पहले प्रत्यक्ष होगा और सूर्य के साथ साथ सूर्यवंशी बच्चे तो प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन वो कितने होंगे हैं? जो 8 हैं, अष्टदेव कहे जाते हैं, अष्टदेवों में भी नंबर वार हैं। कोई चंद्रवंश का मुखिया, कोई बौद्धि वंश का मुखिया, मुखिया न कहें पूर्वज कहें। अलग अलग धर्मों के अलग अलग पूर्वज हैं, वो पूर्वज ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म स्टेज को प्राप्त करते हैं, फिर उनसे कनेक्टेड और जो आत्माएं हैं उनको अपना अपना पता चलता है। अभी संघ के रंग में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो उस संघ के रंग के आधार पर उनका मनन चिंतन मंथन चलता रहेगा और अपने अपने पार्ट प्रत्यक्ष होते रहे। और उच्चारण होना भक्ति मार्ग की बात है या ज्ञान मार्ग की बात है? तो आदि में था भक्ति मार्ग का फाउंडेशन, अंत में भी ओम तो होगा लेकिन उच्चारण के रूप में होगा या मानसिक स्टेज के रूप में होगा,
मानसिक स्टेज के रूप में होगा। अंदर ही अंदर अनुभव करेंगे। क्या अनुभव करेंगे? कि मैं आत्मा कैसे कैसे स्थापना करने वाली हूं अपनी दुनिया की, कौन सी दुनिया की मैंने स्थापना की है। फिर स्थापना की हुई दुनिया में कौन कौन मणकों की मुझे पालना करनी है। नंबर वार फिर विनाश भी करना है। हर एक की अपनी अपनी दुनिया है, उसमें अच्छे से अच्छे भी हैं और बुरे से बुरे भी हैं। जो बुरे से बुरे गुण हैं, बुरे से बुरे संस्कार हैं, बुरे से बुरे पार्टधारी हैं, उनको पहले ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो देह में टिकने की जो बात है वही ओम स्वरूप में टिकने की बात है, बाकी उच्चारण की बात नहीं है। और देशिक वालों ने हंगामा किया, वो तो ऐसा कुछ तो नहीं खास देखने में आया। पब्लिक हंगामा कर रही थी, जो समाज की अलग अलग सभा सोसाइटियां हैं वो मीडिया को पढ़ करके, अखबारों को पढ़ करके और चैनल्स को देख करके, टीवी में जो देखते थे उसे देख और सुन करके और पढ़ करके जो ग्लानी बुद्धि में बैठ गई, तो उसके आधार पर हड़कंप मचा रहे थे। अभी भी मचा रहे हैं थोड़ा बहुत। विनाश ज्वाला कहां से निकली है? रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला निकली। तो यज्ञ कुंड माउंट आबू में है क्या? है कहां है? अरे कौन सी जगह में का कुंड बहुत प्रसिद्ध है? है द्रौपदी कुंड शास्त्रों में भी बहुत प्रसिद्ध है। तो 98 में वहां से विनाश ज्वाला निकली। चिंगारी फूटती है तो धीरे धीरे आग लगती है कि एकदम भड़क जाती है? तो 10 साल अभी चिंगारी को सुलगने में लग गए, अब धीरे धीरे फटना शुरू होना चाहिए कि नहीं है? अव्यक्त बाप दादा ने तो बोल दिया यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, देखना है कि धर्मी धर्म स्थिर रहता है या धर्मी स्थिर रहते हैं, कौन टिका रहता है और कौन डिग जाते हैं। तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी तो क्या समझते हैं शांत हो जाएगी? है अट्ठानवे में जब बवंडर शुरू हुआ था तो यूपी के जनता पार्टी के जो लखनऊ के सह अध्यक्ष थे राम प्रकाश त्रिपाठी, उन्होंने आश्रम की तरफ से भाषण देकर के बोला था
कि आश्रम सच्चाई से काम कर रहा है। इनको अगर इसी तरह ज्यादा छेड़छाड़ की गई तो सारा यूपी जलने लग पड़ेगा। अब वो छेड़छाड़ तो लगातार जारी रही इन 11-12-13 वर्षों में। अब ये पांडवों के 12-13 वर्ष और रामायण के 13 वर्ष पूरे 14 वर्ष हुए कि नहीं हुए है? तो लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और पांडव तो लड़ाई लड़ते ही नहीं है। मुरली में भी बाबा ने बोला है ये अखबार वाले आग लगाएंगे, ग्लानी करेंगे, भौंकते हैं उन्हें भौंकने दो, तुम कुछ भी न करो। क्या कुछ भी न करो का मतलब क्या हुआ? सच्चाई को सिद्ध करने की जरूरत होती है क्या? इसलिए बोला तुम कुछ भी न करो। जो सच्चाई है वो स्वयं सिद्ध हो जाती है। एक कहावत है, सच्चाई सिर पर चढ़ करके बोलेगी। इसलिए तुम कुछ भी न करो, भौंकते हैं उन्हें भौंकने दो। पुतले जलाते हैं तिराहों पर चौराहों पर, जलाने दो। रावण की सभा में अंगद ने क्या किया है? पांव जमा दिया, चैलेंज दिया, जिसमें ताकत हो वो हिला के दिखाए। तो बड़े बड़े ताकत वाले आए हिलाने के लिए, हम आग लगा देंगे, हम उड़ाए देंगे। ऑल इंडिया से आश्रमों को उखाड़ देंगे। फिर क्या पांव हिल गया है? है तो सब चलता ही रहेगा। डर लग रहा है क्या? गीता पाठशाला चला रहे को बंद कर दे। फुरकाबाद का जो एसपी है ना बाबा, फुरकाबाद का जो एसपी है, ये तो पता है आप बंदे हम केस नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे सच्चाई से काम चलता है, हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन उनके ऊपर दबाव तो डाला जा रहा है ऊपर से। बीके वाले डाल रहे ना बाबा, बीके वाले डाल रहे दबाव, दबाव दे रहे वाले। हाँ वो तो ठीक है, नोटों की गद्दियां दबाव डाल रही हैं, तो जो दबाव पड़ रहा है उस दबाव से उर्ण होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ बनता बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? चलो निगेटिव करने वालों को निगेटिव करने दो, हमारा काम क्या है? है ग्लानी फैलाने में सहयोग देना या भगवान का गायन करने में सहयोग देना? बस हम अपना पॉजिटिव काम करते रहे। फरुखाबाद में जैसे पार्टियां पहले आती थी, आती रहेंगी और ज्यादा आएंगी। कंपिल में 98 का वाकया होने के बाद, धड़कंप होने के बाद,
पहले ऑल इंडिया में तीन ही सेंटर थे एडवांस के, कलकत्ता, दिल्ली और कंपिल। फिर क्या हुआ? अब तीन की जगह 30 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? अभी और ज्यादा बवंडर खड़ा होगा, आगे तीन की जगह 300 हो जाएंगे। ये लड़ाई है दिए और तूफान की। पब्लिक चिल्लाए रही है, पब्लिक से कनेक्टेड जो सभा सोसाइटियां हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, सामाजिक राजनीतिक, वो चिल्लाए रही हैं। आश्रम के बारे में सच्चाई क्लियर होनी चाहिए, सीबीआई को सौंपना चाहिए, उसको सौंपना चाहिए। लेकिन गीत तो बने हुए हैं ना, जादूगर जादूगर आएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। खोद खाद करते हैं, मिलता उन्हें कुछ भी नहीं है। कंपिल में एक कालेश्वरनाथ मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग रखा हुआ है गड्ढे में, तो एक अंग्रेज अफसर ने उसकी खुदाई कराना शुरू कर दी। कितना गहरा है, खुदाई कराता जगह, और वो पत्थर और ही चौड़ा होता गया नीचे। आखिर इन खुदाई करना बंद कर दिया। अरे जो प्रोसीजर है, अगर समझना है तो 7 दिन का कोर्स आकर के लो, तसल्ली से बैठ के किसी से सुनो 2-4 दिन, कोर्स लेने के बाद भट्टी करो। महीने 2-4 महीने रेगुलर पढ़ाई पढ़ो, इतनी ढेर की ढेर कन्याओं माताओं बूढ़ियों को समझ में आ सकता है, तो दुनियावी जो बड़े लोग हैं उनको समझ में नहीं आ सकता। लेकिन बाबा ने बोला हुआ है, उसके लिए क्या करेंगे? बाबा ने तो एक मुरली में बोल दिया, जब बाप आते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े लोग मूर्ख बन जाते हैं, महामूर्ख। क्या बोला मुरली में? दुनिया के बड़े बड़े लोग महामूर्ख बन जाते, ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। ऊंची ऊंची मेलमाणियां अटारियां बनाए बैठे हैं, बड़े बड़े कलकाल खाने खोले बैठे हैं। लेकिन बाप के बारे में उनकी है अकल क्या कह रही है? मूर्ख बन रहे हैं कि महामूर्ख बन रहे हैं? महामूर्ख बन जाते, सारे निर्णय उल्टे उल्टे लेते हैं। समाज में ग्लानी फैलती है तो मारे मान मर्तबे के, अरे वहां हम कैसे जाएंगे, इतनी खराब जगह तो हम नहीं जाएंगे कभी जिंदगी में। तो बुद्धि में अहंकार चढ़ जाता है, वहां जाके समझेगा कौन? समझने की तो बात ही दूर हो जाती है। वहां जाने आने वालों को भी हिराकत सी नजर से देखते हैं, वैश्याले में जा रहा है, हम तो बड़े आदमी हैं। और रावण झुकता है, कंस झुकता है, है? देवासुर संग्राम में जो भी असुरों की लड़ाइयां हुई है वो असुर झुके थे क्या? है, है? बाकी 100 सुनने वालों में कोई एक निकलता है,
वो हमारे कुल में आने वाला होगा तो आ जाएगा, अच्छा पुरुषार्थ करेगा, उच्च पद पा सकता है, नहीं तो कम से कम प्रजापद तो मिलेगा ही। और हाँ जी, ओम शांति।